हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है सोनिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा मॉम सोनिया। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा आसना लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है, सब उसको जानते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव आसना। तो मैं इसकी फुल डिटेल्स आपको बताऊँगी इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जिस आसना में मैं बैठती हूँ उसी को वज्रासना बोलते हैं। वज्रासना को इंग्लिश में थंडर बोल्ट पोज भी बोलते हैं। वज्र का मतलब होता है वज्र, कठोर। जो इस आसना में बैठने से हमारा शरीर बहुत वज्र जैसा मजबूत हो जाता है। एक इकलौता आसन ऐसा है जिसमें हम खाना खाने के तुरंत बाद बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों को, टोज को ऐसे फ्लैट कर लेंगे और धीरे अपने दोनों पैरों को मिलाए रखेंगे और ऐसे इस आसना में बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों के बीच, अपने पैर के जो बिग टोज है, बड़े अंगूठे, वो दोनों मिले रहेंगे पैरों के अंगूठे ऐसे। दूसरा तरीका इस पोज में बैठने का है, अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे, अपने घुटने को मोड़कर ऐसे रख लेंगे, दूसरे घुटने को मोड़कर फिर ऐसे रख लेंगे, आपके बिग टोज मिले हुए रहेंगे और अपने पैरों के बीच में ऐसे आप बैठ जाएंगे। दोनों घुटने भी आपके मिले हुए रहेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रख के, ऐसे घुटनों पे रख के ऐसे बैठ जाएंगे। ये एक इकलौता आसन ऐसा है जिसमें आपको इफेक्टिवली आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को सीधा नहीं करना पड़ता। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी ऑटोमेटिकली सीधी रहती है। अगर आपको इस यहाँ पे बैठने में दिक्कत है या आपके घुटनों में बहुत देर बैठने में दिक्कत हो जाती है तो आप यहाँ पे ऐसे एक पिलो रख लेंगे या कोई भी ब्लैंकेट फोल्ड करके, फोल्डेड ब्लैंकेट को यहाँ पे रख लेंगे और चाहे तो आप इस पैरों के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आपके पैरों में झंझनाहट होती है स्टार्टिंग में, आपके पैरों में झंझनाहट होगी या फिर जब लंबे समय तक बैठने में, तो अपने पैरों को ऐसे फैला लीजिए और ऐसे उनको, अपने घुटनों को ऊपर नीचे कीजिए या फिर पैरों को भी आप ऐसे कर सकते हैं तो आपके पैरों की झंझनाहट चली जाएगी और फिर से आप अपने घुटनों को ऐसे मोड़ के इस आसन में बैठ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस आसन के फायदे क्या हैं। आसन में बैठने से हमारी वज्र नाड़ी पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वज्र नाड़ी जो होती है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होकर गुजरती है। तो इस आसन में बैठने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, ये उसको ठीक करने में बहुत ही सहायक है। लेडीज़ में इरेगुलर पीरियड्स इनको हो, उनको इस आसन में ज़रूर बैठना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन में 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को ज़रूर बैठिए। दिस आसना इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स को इस आसना में ज़रूर बैठना चाहिए क्योंकि ड्यूरिंग 13 to 19 एक ऐसी एज होती है जब हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स, बहुत ज़्यादा हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं, उस दौरान फोकस करना पढ़ाई में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो अगर आप अपने बच्चों को इस आसना में बैठाएंगे सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट या कितने भी देर या पढ़ते हुए भी वो इस आसना में बैठ सकते हैं, तो इससे उनका शरीर तो इफेक्टिव होगा ही, उनका पढ़ाई में फोकस भी बना रहेगा एंड दे कैन कंट्रोल देयर इमोशंस। पेट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, जैसे आपको अच्छे से भूख नहीं लगती है, आपको गैस्ट्रिक का इशू रहता है या फिर रिप्रोडक्टिव अंग से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, उनको इस आसना में ज़रूर बैठना चाहिए। हर्निया और बवासीर के रोग में भी ये आसना बहुत ही हेल्पफुल है। किनको इस आसना में नहीं बैठना चाहिए? जिनको नीज में बहुत ज़्यादा पेन है या वो ऐसे करके नहीं बैठ सकते, उनको इस आसना में नहीं बैठना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको किसी आसना से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो यू कैन कॉमेंट एंड आस्क मी। थैंक यू सो मच।